हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निर्भय। और आज जो हम लेसन सीखने वाले हैं वो स्ट्रेट फ्लूड के ऊपर है, जो कि टाइटैनिक मूवी का जो एक बहुत ही प्यारा जो सॉन्ग है टाइटैनिक का, उसका जो मेन ट्यून है वो हम इस स्ट्रेट फ्लूड पे सीखने वाले हैं। ठीक है, सो विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। सो आई थिंक ये जो आपने ट्यून है टाइटैनिक मूवी का ये तो सुना ही होगा, और ये स्ट्रेट फ्लूट के ऊपर ही, अमेरिकन जो फ्लूट्स होती है स्ट्रेट फ्लूट, उसके ऊपर ही प्ले किया है। तो स्ट्रेट फ्लूट के ऊपर थोड़ा सा उसका साउंड भी सिमिलर सा लगता है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है वो टाइटैनिक मूवी का जो ट्यून है वो स्ट्रेट फ्लूट पे बजाने। तो इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपने बेसिक्स एक्सरसाइज सरगम सारे गम उपधनी सा और एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से बजा रहे हो तो आप ये ट्यून जो है अच्छे से बजा सकते हो। अगर आपने एक्सरसाइज ये सारी बेसिक जो चीज़ें वो अच्छी नहीं की है तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा और आप मे बी बजा भी नहीं पाओगे ठीक से। तो ये बजाने के लिए एटलीस्ट आपके बेसिक्स एक्सरसाइज, थोड़ा सा फिंगर मूवमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही लोग ये ट्यून ट्राई करिए, जिन्होंने बेसिक्स अच्छे से नहीं किए हैं वो ये ट्यूटोरियल ना देखें, क्योंकि उससे आप मे बी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल है, नोट्स में आपको दिखाऊंगा फिंगर्स के साथ। पहला जो पार्ट है वो ये है, अब इसमें नोट क्या वो यूज हुए है, सारे रे ग। तो सारे रे ग कैसे ले रहा हूं मैं, सारे रे टैप कर रहा हूं, सारे रे ग सारे रे ग। ठीक है, टैप करना है आपको यहाँ पे ऐसे फास्ट, सारे रे ग म ग रे सा म ग रे सा। ठीक है, सारे रे सारे रे ग म ग रे सारे प। अभी म ग रे, रे लेते समय मैं थोड़ा सा ऐसे म ग गरे गरे म म ग रे सा म ग म ग रे सारे प। देखिए, ऐसे रे, थोड़ा सा वेरिएशन में बजा रहा हूं, ऐसे प्लेन रे नहीं बजा रहा हूं, ऐसे नहीं तो। ठीक है, सारे रे ग मग रे सारे प, यहां तक आया बात समझ में। अब आगे म ग सा ध ध प, ऐसे तो ये सिर्फ ध के बाद थोड़ा सा मैं उसको फास्ट ऐसे टैप करके प बजा रहा हूं। पूरा देखेंगे फिर से, क्लियर है, म ग सा ध ध प। ओके, नेक्स्ट, वही सेम जो स्टार्टिंग में मैंने बताया उसी तरह से फिर से सेकेंड लूप भी लेना है, और फिर तो उसके बाद ग प ध प रे।
सेकेंड लूप में क्या है, सारे रे ग मगरे सारे प ग प ध प रे। इस तरह से ये ट्यून जो है ख़त्म होती है। आई होप कि आपको इसके नोटेशंस और कैसे बजाना है वो समझ में आया होगा। सिंपल है, ट्राई करेंगे जिस तरह से मैंने गाया है उस तरह से, और इसका मेलोडी अगर ध्यान में रख के आप कोशिश करेंगे तो आप ये ज़रूर स्ट्रेट फ्लूट पे बजा सकते हो। ठीक है, सो प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्ट्रेट फ्लूट के ऊपर ये ट्यून बजाने में ये वीडियो आपको काम आया कि नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूँ अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय।